हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एक ब्लैक एंड वाइट मंडला आर्ट बनाया था। ये देखिए, इस तरह से हमने मंडला आर्ट बनाए थे। आज हम एक कलरफुल पेंटिंग की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए मैंने एक ये शीट ली है, वाइट कलर की शीट ली है। और मंडला के लिए हमारा जो बेसिक है, सबसे पहले हम उसके लिए ग्रिड बनाएंगे। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं कि ग्रिड कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमको एक सेंटर पॉइंट लेना होगा। सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं? दो कॉर्नर जो होते हैं शीट का, एक ये कॉर्नर और ये, हम इसको यहाँ से एक लाइन लगाएंगे। देखिए, मैंने एक लाइन खींची है यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ का कॉर्नर और ये कॉर्नर, यहाँ से भी हम एक लाइन खींच लेंगे। और ये जो यहाँ पे जो कनेक्ट हो रही है दोनों लाइन, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ से हम हमारा ग्रिड चालू करेंगे, सारे सर्कल्स बनाना चालू करेंगे, जिनका सबका सेंटर पॉइंट जो होगा वो ये वाला पॉइंट होगा। तो चलिए पहले ग्रिड बना लेते हैं हम। सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं। हमने यहाँ पे देखिए, एक एक सेंटीमीटर पे मैंने डॉट लगा दिए हैं और इसी के ऊपर हमको हमारा कंपास रख के सर्कल ड्रॉ करना है। ये हमारा लास्ट सर्कल बन गया है। अब इसके बाद में हमारे पास में स्पेस नहीं है। देखिए, यहाँ पे हमारा ये लास्ट सर्कल ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें ग्रिड बनाते हैं। यहाँ पर हमको अब लाइंस ड्रॉ करनी है। तो हम लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं? ये जो हमारा प्रोटेक्टर है, इसका ये जो पॉइंट है, हम इस सेंटर पॉइंट के ऊपर में रखेंगे। और इस सारे जो पॉइंट्स है, एक एक सेंटीमीटर के यहाँ पे हम एक एक डॉट लगाते जाएंगे। अब हमको ये सेंटर पॉइंट से ये सारे डॉट्स को जोड़ना है। इस तरह से हम सारे डॉट्स जोड़ लेते हैं। हमने देखिए ये ग्रिड बना लिया है, ये पूरी लाइनिंग हमने जोड़ ली है।
अब हम हमारे मंडला की शुरुआत करते हैं। आज हम कलरफुल मंडला बना रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम इसकी एक आउटलाइन बनाएंगे मार्कर पेन से। यह हमने सेंटर का एक बना लिया है, इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं। कलर फिल करने के लिए हम ये कनेक्टर पेन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मेरे सारे टूल्स पेन्स ये सब बताए थे, तो हम ये कनेक्टर पेन से भी कलर फिल कर सकते हैं, या फिर मेरे पास में ये ब्रश पेन है, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, ये वाला कनेक्टर पेन है, ये देखिए, ये कनेक्टर पेन है और ये ब्रश पेन है। ब्रश पेन की ये जो निब होती है, ये बिल्कुल ब्रश के जैसी होती है, देखिए। कनेक्टर पेन ये स्केच पेन की तरह होता है, स्केच पेन की तरह रहता है कनेक्टर पेन। और मैं आपको ये जो बता रही थी, ये देखिए, ये ब्रश पेन ऐसा होता है। तो हम ब्रश पेन से करके देख लेते हैं, इससे बहुत इजी है और फट से होता है इससे भरना। देखिए, हमारा सेंटर हमने फिल कर लिया है। अब हमारी यहाँ पे जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस, उसको हम ब्लैक से कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट सर्कल में जाएंगे।
देखिए इस तरह से हमको ड्रॉ करना है। अभी यहाँ पर हम ये ग्लिटर पेन का यूज कर रहे हैं, ये सेलो का ग्रीन कलर का ग्लिटर पेन, ये देखिए। अब हमने ये आठ लाइन का फाइन टिप वाला पेन लिया है, ये देखिए आठ लाइन।
Thank you.
सो वी हैव कंप्लीटेड आवर कलरफुल मंडला आर्ट। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये पेंटिंग। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।